चाहते ना चाहते भी मुझे उसके साथ समय बिताना पड़ता था, और आपको हर्ट हुआ उसकी उस वजह से. आई एम वेरी सॉरी टू यू काकीमा. मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर वो इतनी सैड हुई थी, उसने कन्फ्रंट क्यों नहीं किया मुझे. पर वो भी मेरी बेटी जैसी है, तो आप अगर मुझे बेटी जैसे समझती है तो एक बार भी ये क्यों नहीं बोला कि बेटा तूने ऐसा कहा है, मुझे उससे बहुत हर्ट हुआ है. बोला कि घर से बाहर आके किस तरह का लग रहा है, वाइल्ड एंट्री की तौर से वापस आपकी एंट्री हुई थी, अभी क्या सब महसूस हो रहा है? मैं बहुत खुश हूँ, और एंड ऑन द अदर हैंड थोड़ी सी सैड हूँ, क्योंकि ऐसा ना, मतलब मंजिल दिख रहा था कि हाँ 3-4 हफ्ते तक पहुँच ही जाएंगे, तो जब तक आप वो फिनिशिंग लाइन टच ना करो तो कहीं ना कहीं वो एक चीज़ रह जाती है, खालीपन. बट ऑन द अदर हैंड मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मैं सेकेंड टाइम इस शो में जा पाई, और जो एकदम छोटी सी मेरी जर्नी थी जो अधूरा रह गया था, वो मैं पूरी कर पाई. शायद कम्प्लीटली पूरी नहीं, पर फिर भी जितना मिला उसमें मैं बहुत खुश हूँ, और really glad that I could go back again. और second time की journey मुझे definitely पहले बार से ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि समय भी almost 3 गुना ज़्यादा मिला, लोगों को, अंदर के लोगों को जानने का ज़्यादा मौका मिला, बाहर जो अपने audience है उनके दिल तक पहुँचने का ज़्यादा वक्त मिला, और मुझे लगता है कि energy wise भी इस बार मैं ज़्यादा energetic थी. अभी कल सिमी ग्रेवाल के घर पे आने पे आपने अपनी ख्वाहिश जाहिर की थी कि आप शो के लास्ट तक रुके, और आज ही आ जाना, मतलब कैसा रहा? वो एक्चुअली शायद कायनात तक पहुंच नहीं पाई, क्योंकि उन्होंने बोला था कि एक ऐसी विश अभी आपके दिल में क्या है, आपके मन में क्या है जो आप कायनात तक भेजना चाहते हैं. तो मैंने बोला था यही विश है कि मैं जो कायनात तक भेजना चाहती हूँ, क्योंकि हर हफ्ते मैं नॉमिनेट हो रही थी बैक टू बैक, तो मैं चाहती हूँ कि ये जो 3-4 हफ्ते आखिरी के हैं, उधर मैं रह जाऊँ और ऑडियंस को और अच्छे से एंटरटेन कर पाऊँ. और पर ठीक है, कायनात तक पहुँचा नहीं या तो कुछ तो बीच में ना कनेक्शन का इशू हुआ होगा, नेटवर्क का. सुजीता, हम लोग ने नॉर्मली अर्चना को घर में देखा, वे शी इज नॉट बीन वेरी गुड टॉकिंग टू एवरीबडी एंड शी इज इन कर्स पीपल, लेकिन जब कल के एपिसोड में माइती घर के अंदर आया था एंड लुकिंग एट हिम शी सेड कि तुम दोनों को बहुत बढ़िया अच्छे बच्चे और गोरे चिट्टे बच्चे आएंगे, तो आपको वो सुन के कैसा लगा? क्योंकि ऐसे बातें अर्चना से सुनना इज वेरी रेयर. एक्चुअली वो माइकल से मिलके जेन्युइनली बहुत खुश हुई, वो बहुत एक्साइटेड थी. एक दिन पहले से ही मुझे बोल रही थी, सुनना मैं मुझे ना आधा घंटा दे देना. मैंने बोला भाई 1 घंटा ले बैठ ले उसके साथ, कोई बात नहीं. तो वो माइकल से मिलके जेन्युइनली बहुत खुश हुई, और मुझे भी बोल रही थी कि पता है माइकल मुझे अच्छा लगा, और अब मैं तेरे साथ भी ज़्यादा लड़ नहीं पाऊँगी क्योंकि माइकल मुझे अच्छा लग गया. मैंने बोला ये क्या बात हुई अर्चना. तो वो जेन्युइनली खुश थी, और ऑनेस्टली वो दिल की बुरी नहीं है, पर वो उसको जब गुस्सा आ जाता है तब उसको सीमा नहीं पता होता है, और वो पता नहीं जाने अनजाने में या जाने में ही वो चीज़ें ऐसे बोल जाती है जो सामने वाले को बहुत हर्ट कर जाता है. तो यही उसकी खामियां हैं. ओके श्रीता, ये जाना चाहेंगे आपके टर्म्स, यू नो जब आप घर में गई थी तब टीना के साथ आपके टर्म्स अच्छे नहीं थे, बट हम कभी कभी आपको देख लेते थे कि यू नो आप दोनों बात कर रहे हो अच्छे से, क्या टर्म्स क्लियर हो गए हैं आप दोनों के बीच में? देखिए बात यह है कि ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें थी मेरे मन में भी, उसके मन में भी मेरे प्रति, वो तो मुझे पता ही है बहुत सालों से है. तो वो चीज़ जब मैं अंदर गई तो था, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं जब से मेरी दोस्ती प्रियंका के साथ बढ़ने लगी, और टीना भी प्रियंका के साथ काफ़ी चिल करती थी, तो चाहते ना चाहते भी मुझे उसके साथ समय बिताना पड़ता था. और एक चीज़ ये घर आपको सिखा देती है कि चीज़ें बिगड़ सकती है ज़िंदगी में, पर जाने दो, लेट गो ऑफ चीज़ों को. आप जितना लेट गो ऑफ करोगे उतना आप खुश रहोगे. तो 2-3 हफ्ते के बाद कहीं ना कहीं मुझे लगा ठीक है यार, उसने भी बोला बहुत सारी चीज़ें मेरे बारे में, मैंने भी बोला उसके बारे में, इट्स ओके. इस घर का सिचुएशन ही कहीं ना कहीं ऐसा हो जाता है कि आप बोल जाते हो बहुत चीज़ें,
जाने अनजाने में, बट इट्स ओके श्रीजिता, जस्ट लेट गो ऑफ. अगर तेरी दोस्त प्रियंका है बहुत अच्छी, तो एटलीस्ट कोऑर्डियली आप उसके साथ भी बैठ सकते हो, क्योंकि टीना और प्रियंका के भी एक कनेक्शन है, एक दोस्ती है, उसको रिस्पेक्ट करते हुए आप वहाँ पे कोऑर्डियली बैठ के तो तीनों से बात कर सक दोनों से बात कर सकते हो. आपने कहा था यू नो आप दोनों आपने नहीं टीना ने कहा था सॉरी कि आप दोनों की मम्मी एक दूसरे के यू नो उनकी मम्मी आते हैं आपके घर पे, बात बात होती है, सब कुछ अच्छा था. आप दोनों के बीच में भले ही ये नहीं अच्छा था, लेकिन आपकी मम्मियों के बीच में अच्छा था. बट इस फैमिली बीच में देखा आंटी आपसे यू नो डिस्टेंस मेंटेन करके रखी थी, आपसे आंटी ने बात नहीं करी और बाय मिस्टेकनली आपको हग कर ली थी, जो आपको हर्ट भी हुआ था, वो चीज़ आपने माइकल से भी कही. इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि जाहिर सी बात है, जब हमारे पेरेंट्स अपने बच्चों के बारे में कुछ देखते हैं, जब हमारे पेरेंट्स उनके बच्चों के बारे में कुछ देखते हैं टीवी में कि कोई और कुछ गलत बोल रहा है या सही बोल रहा है, उनको वो चीज़ अच्छा नहीं लगेगा, जाहिर सी बात है. और आपको हर्ट हुआ उसकी उस वजह से, आई एम वेरी सॉरी टू यू काकिमा. बट मैं यही कहना चाहूँगी कि इस घर की परिस्थितियाँ ऐसे कभी कभी हो जाती है कि लोग चाह के ना चाह के भी कुछ कुछ चीज़ें अवॉइड नहीं कर सकते हैं. अगर आपको हर्ट हुआ है तो टीना की भी बहुत सारी बातों से मेरी मम्मी को भी हर्ट हुआ है. लेकिन मुझे लगता है कंटेस्टेंट्स के बीच में या उनकी लड़ाइयों में या उनकी कॉम्प्लेक्सिटीज़ में हमारे पेरेंट्स को नहीं पढ़ना चाहिए. ये कोई ज्ञान या सजेशन नहीं है, बट मेरा ये मानना है हमारे पेरेंट्स को नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि अर्चना शिव के बीच में भी हुआ है, अर्चना स्टैन के बीच में भी बहुत गंदी चीज़ें हुई है. पर जब उनकी मम्मी आई घर में, चीज़ें वे थिंग्स वे क्वाइट यू नो कॉर्डियल और ओपन. क्योंकि एक घर में आप बंद हो तो कभी भी बियॉन्ड द बॉर्डर लाइन लोग चले जाते हैं, पर हम जो चीज़ घर के अंदर कर रहे हैं उसका इफेक्ट हमारे पेरेंट्स में बाहर नहीं होना चाहिए. श्रीजिता, दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो जैसे कि हमने एपिसोड में देखा था ना, आपने कहा था लाइक इनको कि टीना ने तो बहुत सारे लोगों के घर तोड़े इसलिए उनका घर नहीं बसा, तो वो जो स्टेटमेंट के बाद बाहर भी जब बात हुई थी तो टीना काफ़ी सैड हुई थी कि लाइक श्री ने ऐसा था, सो उसके ऊपर आपको क्या कहना है? मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर वो इतनी सैड हुई थी उसने कन्फ्रंट क्यों नहीं किया मुझे. अगर जो टीना की मम्मी आंटी जो कह रही है कि ये बोला वो बोला ये कैसे बोला, तो आंटी जब घर के अंदर आई और आंटी ने मुझे ये भी कहा कि वो भी तो मेरी बेटी जैसी है, भले ही मैंने गलती से उसको हक कर दिया पर वो भी मेरी गलती से टीना समझ लिया पर वो भी मेरी बेटी जैसी है, तो आप अगर मुझे बेटी जैसे समझती है तो एक बार भी ये क्यों नहीं बोला कि बेटा तूने ऐसा कहा है, मुझे उससे बहुत हर्ट हुआ है, मुझे बुरा लगा है. और ऑनेस्टली उस जगह पे मुझे लगता है कोई भी होता या होती एक बार तो कन्फ्रंट करती, उसने मुझे क्यों कन्फ्रंट नहीं किया है, वाई? सो ऑब्वियसली देयर मस्ट बी सम रीजन जिसकी वजह से उसने कन्फ्रंट नहीं किया. आई कैन अंडरस्टैंड शी वॉज हर्ट, पर उसकी भी बहुत सारी बातों से आई वॉज हर्ट. सो इट गोज, ताली एक हाथ से नहीं बजती है, दोनों तरफ से बजती है, तो इट गोज आइदर वेज. और मैं निकलने से पहले जो शायद आज के एपिसोड में आपको दिखेगा, लोहरी के दिन मैंने टीना को बोला भी है कि अगर मैंने बॉर्डर लाइन, एटलीस्ट मेरे अंदर इतना था, टीना ने अभी तक मुझे कुछ सॉरी नहीं बोला क्योंकि उन्होंने भी मेरे बारे में बहुत चीज़ें बोली, उसके बारे में कभी सॉरी नहीं बोला, पर मैंने उनको बोला है कि अगर मैंने कोई चीज़ बोली है जिसकी वजह से तू हर्ट हुई है या मैंने बॉर्डर लाइन क्रॉस कर दिया उसके लिए आई एम सॉरी. पर चीज़ें होती है इस घर में, जो भी होती है उस घर के अंदर रख के आओ, पेरेंट्स तक नहीं वो एनर्जी पास ऑन होना चाहिए. लेकिन यही चीज़ जब आप घर के अंदर थे तो टीना की मॉम ने बाहर कहा था कि अगर आप चार लड़कों का भी नाम बता दें तो वो जाने, बिकॉज आप ये पूरा फेक एलिगेशन लगा रहे हो, ऐसा कुछ है ही नहीं. तो पहली बात आंटी ने वो चीज़, उनको मौका मिला मुझसे मिलने का तो घर के अंदर भी पूछ सकती थी, इतना अवॉइड करने की क्या ज़रूरत था. ठीक है आपने नहीं पूछा, बट डेफिनेटली आंटी अगर आपके मन में कोई भी सवाल है या आपको लगता है मैंने कुछ गलत बोला है तो मैं आपसे आपके सवालों का जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ. पर फिर से मैं एक बार वापस से कहना चाहती हूँ कि मम्मी पापा को बुरा लगता है पर घर के
अंदर की परिस्थितियाँ अलग होती है, हमारे मम्मी पापा उसमें इन्वॉल्व ना हो तो ही बेहतर है, क्योंकि बच्चे लड़ेंगे, कंटेस्टेंट्स लड़ेंगे, पर रिश्ते बहुत मुश्किल से बनते हैं, उसको ख़राब नहीं करना चाहिए। और अगर मैंने उसके बारे में कुछ बोला है तो टीना ने भी मेरे बारे में बहुत कुछ बोला है, इट गोज बोथ वेज। पर फिर भी अगर आपके मन में सवाल है, कुछ भी है, आई एम ऑलवेज ओपन टू आंसर यू, और आप हमेशा मेरी काकी माँ रहेंगी और मैं आपसे हमेशा प्यार करती हूँ, आपकी हमेशा रिस्पेक्ट करूंगी। श्री एक और चीज़ हुआ था, जब वीकेंड के बाद में हमने देखा था कि जो अर्चना और स्टैन की लड़ाई थी, वो दोनों के बीच में जो है सलमान खान ने कहा था इसकी पूरी जो जड़ थी फसाद की वो आप थे, बिकॉज वो लड़ाई, क्योंकि मैं चढ़ती हुई ट्रेन में कूदी थी, पर लड़ाई मेरी वजह से नहीं हुई थी, लड़ाई ऑलरेडी चल रहा था, मैं बाहर बैठी हुई थी, लड़ाई शुरू हुआ था बाथरूम साफ करने की बात से लेके, तूने बाथरूम आज साफ क्यों नहीं किया, तेरे फैंस को देखना चाहिए कि कैसा तू, क्या क्या बोलती है वो, क्या कि खैरात में आया है, तेरे फैंस को पता चलना चाहिए कि तू तो खैरात में आया है। तो मेरी वजह से बिल्कुल लड़ाई नहीं शुरू हुई थी, उन दोनों का आपस का अलग चल रहा था, तो चलते चलते बहुत गंदा हो गया था। तो उस समय पे जब मैं अंदर आई कि क्या चल रही, इतना चिल्लम चिल्ली क्या हो रहा है, तो अर्चना इधर खड़ी थी, नहीं स्टैंड इधर खड़ा था, अर्चना इधर खड़ी थी, मैं इधर खड़ी थी, और अर्चना ने कुछ एक लाइन स्टैंड को बोलकर चल पड़ी, तो स्टैंड ने तुरंत बोला अरे गाली दी सुना लड़की ने, गाली दी, तो मैंने बोला गाली दिया ना उसने, मैंने भी सुना ये लाइन बोला ना उसने, तो अगर वो आपके गाने का लाइन है तो आपको तो पता ही होना चाहिए, तो उधर ही आपको बोल देना चाहिए था, नहीं 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 वो गाली नहीं है, वो तो मेरे गाने की लाइन है, गाने में वो गाली का इस्तेमाल मैंने किया है और उसका मतलब गलत है, सुजिता मत बोल, मुझे पता ही नहीं था वो उनके गाने का लाइन है, आई लिटरली डिडंट नो दैट, क्योंकि उनके गाने मैंने नहीं सुना है। तो वो चीज़ को पहले बढ़ने दिया, फिर मुझे लगता है कहीं ना लोग अपने स्टैंड नहीं लेते हैं वहाँ पे, कि स्टैंड लेना बहुत ज़रूरी है, कि हाँ मैंने बोला था कि अर्चना ने गाली दी, पर सुजिता इस बात पे नहीं बोला था, ये तो मेरी ये लाइन तो मेरे गाने की लाइन है, किसी और बात पे बोला था जो तूने नहीं सुना था। तो यहाँ पे वो क्लैरिफिकेशन की भी बहुत ज़रूरत था स्टैंड के तरफ से, जो हुआ नहीं, जिस वजह से कन्फ्यूजन बढ़ता रहा, शालीन भी बीच में इन्वॉल्व हो गया, इसलिए वो चीज़ और बढ़ चुकी थी, जो शायद एपिसोड में काट दिया गया होगा। तो एक्चुअली ये होता है कि चलती हुई ट्रेन में जो सीख मुझे सलमान सर से मिली है कि कभी नहीं चढ़ना चाहिए, शायद मेरे इंटेंशंस कुछ गलत नहीं था, उन्होंने भी बोला शायद आपके इंटेंशंस गलत नहीं है, पर चीज़ें गलत हो सकती। स्टार्टिंग से ये टीना से तो आपके टर्म्स अच्छे नहीं थे, बाकी आप ना पलटन की सदस्य कभी रही ना कभी मंडली के साथ आपने खेला, बाकी अर्चना को आपने एकमात्र दोस्त माना अपना, जो कि अर्चना आपको इस हफ्ते नॉमिनेट की, जिस वजह से अगर आप एलिमिनेट हुई हैं तो अर्चना का नॉमिनेशन भी कहीं कहीं काउंट था, तो सबसे पहले तो आपका दोस्त कौन है, और दूसरा अगर अर्चना आपकी दोस्त है तो फिर उन्होंने नॉमिनेट क्यों किया? अर्चना ने पहली बार मुझे नॉमिनेट नहीं किया, 3 हफ्ते पहले भी उन्होंने मुझे नॉमिनेट किया था, क्योंकि मैंने उनसे पूछा था कि बाथरूम तूने साफ़ किया कि नहीं, और प्रियंका से मैंने एप्रन धोने के लिए नहीं बोला था, इतना लेम रीज़न की वजह से अर्चना ने मुझे नॉमिनेट किया था, पर दैट्स व्हाट सबको पता है, अर्चना इज़ अर्चना, वो उसको आप कभी ट्रस्ट नहीं कर सकते हो, वो कभी भी कुछ भी कर सकती है टांग अड़ाने के लिए, और हाँ अर्चना की भी एक वोट गिनती है उस नॉमिनेशन पे, पर बाकी भी और 5 लोगों ने मुझे नॉमिनेट किया है, वो जो ग्रुप ऑफ ग्रुप सी था, और बाकी तो किस्मत का खेल है, बट हाँ मुझे वो लड़की अच्छी लगती है, कभी कभी वो सीमा क्रॉस कर देती है, लाइन क्रॉस कर देती है, पर उसको कोई अपना नहीं मान सकता है, क्योंकि वो कब कहाँ पलट जाए किसी को नहीं पता। प्रियंका और शिव, हेलो एवरी वन, आई लव यू सो मच, प्लीज़ कीप शावरिंग लव टू मी, ढेर 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 सारा प्यार भेजिए, और आई एम थैंकफुल एंड आई एम ग्रेटफुल टू एवरी वन, थैंक यू, थैंक यू।